वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर बैठे ही अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए। सो इसका पूरा प्रोसीजर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसके हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हैं आसानी से क्रैक और बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। सो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप विजिट करते हैं PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो PSSSB की आप क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा होम पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट्स, डाउनलोड्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। तो इस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको जो है नई नई रिक्रूटमेंट्स जो कि PSSSB के द्वारा निकाली गई हैं उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस या फॉर्म्स आपको दिखते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसमें क्लिक किया आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है जिसपे आपसे आपकी यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। बट अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, मतलब अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसलिए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन का पेज आपका ओपन हो जाता है जिसपे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपके कैटेगरी के वाइज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बताई जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेंगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। और देन नीचे ऑप्शन दिया जाता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो इस पर आप टिक करते हैं। जैसे आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं। इस तरीके से जो है आपसे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो जिस पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, जूनियर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर के लिए, तो इन तीनों में से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है आप अपना क्या करते हैं, यहाँ पर फुल नेम लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका फुल नेम आप यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखते हैं आप। ठीक है, तो ईमेल आईडी जो है आपकी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इसी पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, तो उसी हिसाब से जो है आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी लिखने के बाद आप अपना यहाँ पर क्या करते हैं, मोबाइल नंबर यानी कि अपना फ़ोन नंबर फिल करते हैं। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर आप फिल करते हैं एज पर जिस पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है, मतलब कि जो चलता हो मोबाइल नंबर वो। और एक फर्दर आप अपने लिए पासवर्ड रखते हैं कि जब भी आपको यूज़र नेम आए आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी भी आईडी पे तो आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना एक पासवर्ड रखना चाहती हूँ तो इस तरीके से जो है मैं अपना पासवर्ड रखती हूँ। उसके बाद आप अपना कन्फर्म करते हैं पासवर्ड। ठीक है, फिर कंफर्म करते हैं पासवर्ड और इसमें एंटर करते हैं आप कैप्चा। ठीक है, कैप्चा जो है आप एंटर करते हैं जिस हिसाब से ये दिया जाता है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उससे एग्री करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं और इसी नंबर पर अपना जो ये है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा शो कर रहा है तो इसको हम दोबारा एक बार फिल करके देखेंगे कि क्या है जो कि इनवैलिड आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैप्चा दोबारा से भरते हैं। इस तरीके से जो है कैप्चा आप फिल करते हैं। कैप्चा की जो है हमेशा सही होना चाहिए क्योंकि तभी ये जो है एक्सेप्ट करेगा आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म और जिस हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से आप अपना कैप्चा फिल करते हैं, उसके बाद टिक करते हैं अगेन और रजिस्टर करते हैं।
ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है, आप यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या फिर आपके जीमेल आईडी पे ये जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक करते हैं आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम फिल करते हैं जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होता है, तो आप अपना यूजर नेम ध्यान से देख के फिल करते हैं, ठीक है। तो एज पर द जो आपके फोन पे आया है वो यूजर नेम फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एकदम करेक्टली आप फिल करते हैं ये सारी चीजें और एक बार दोबारा चेक करते हैं कि आपका यूजर नेम जो है बिल्कुल आपने करेक्ट भरा है कि नहीं भरा है, आप दोबारा रीचेक करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल जाए कि ये जो यूजर नेम आपने बिल्कुल सही भरा है, उसके बाद अपना पासवर्ड आप भरते हैं जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है फर्दर पेज ओपन हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे यहाँ ऊपर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन में से आप क्लिक करते हैं एप्लीकेशंस के ऑप्शन से जिसपे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो है सारी चीजें भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको और डिटेल्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर रखी है वो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही अपलोड होती है। बाकी चीजें जो कि आप अपलोड करते हैं जैसे कि आपका फादर नेम, तो फादर नेम लिखने के बाद आप लिखते हैं अपना मदर का नेम। मदर नेम लिखने के बाद आप सेलेक्ट करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कि कब आपका जन्म हुआ, क्योंकि ये काफी मैटर करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है अपना लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है, तो आप अपने जेंडर क्लिक करते हैं। देन मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या विडो हैं, इस तरीके से। तो जो है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो ईमेल है और मोबाइल नंबर है ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन कार्ड का प्रूफ देना चाहूँगी, तो इसमें मैं आप अपना जो है पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे जैसे कि उसका नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ नंबर लिखते हैं जो कि आपके पैन, अब यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो मैं आप क्या लिखूंगी, अपने पैन कार्ड का नंबर लिखूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं अपना पैन कार्ड का नंबर लिखती हूँ। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैं किस नेशन की रहने वाली हूँ, ठीक है। नेशनैलिटी क्या है मेरी, इंडियन है। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे हम नीचे आते हैं उसके बाद आपसे कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाती है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप वो सेलेक्ट करते हो क्या आप। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप रहने वाले हो पंजाब के, डोमिसाइल हो पंजाब के, यस और नो पे चिक कीजिए, हो तो यस पे, अगर नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है आप ये सारी चीजें आराम से और अच्छे से ध्यान से फिल करते हैं। देन आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट की, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। देन सिटी सेलेक्ट करते हैं आप। सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपका पिन कोड, देन आप यहाँ पर अपना पिन कोड लिखते हैं। स्टेट सेलेक्ट करते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हर किसी को पता होती है वो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। देन डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जाती है कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो। देन स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज टेक ए परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही एज सिमिलर है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो मेरा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पर टिक करूंगी, अगर नहीं है तो आप अपना जो है अपने हिसाब से जो आपका एड्रेस है वो फिल करते हैं। उसके बाद कोई क्रिमिनल केस तो रजिस्टर नहीं है आपके खिलाफ, ये अदर्स डिटेल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कभी कन्विक्टेड तो नहीं है आप क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीजें फिल करते हैं। एनी एज रिलैक्सेशन, आपको कोई एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिली, अगर आप किसी और जनरल कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, बट मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हूँ
तो यहाँ पर नो पे क्लिक करूंगी क्योंकि जो मुझे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। ठीक है, पंजाबी पास है 10th लेवल में, ऑफकोर्स पंजाबी करी होगी तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कमिटेड बाय एनी कोर्ट, कभी भी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से निकाले गए या फिर कोर्ट के द्वारा किसी भी लॉ वायलेशन के लिए आपको सजा दी गई है, यस और नो पे आप टिक करते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑफकोर्स है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करते हो, सेव पे क्लिक करते हो। बट उसके बाद जो है आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर अपनी जो है फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, तो फोटो का जो साइज है आपका 30-100 KB के साइज में होना चाहिए और JPG और PNG के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या है अपनी फोटो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप अपनी फोटो जिसका साइज 30 या 100 के बिटवीन हो वो आप सिलेक्ट करते हैं। देन ऐसे ही आप अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो सिग्नेचर भी सिलेक्ट करने के बाद जो है ये सारी चीजें आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ आप क्लिक करते हैं किस पे, सेव पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है। उसके बाद जो है आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी पूछी जाती है, जैसे कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चीज। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर्स आप इसको प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपका प्रेफरेंस क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप इनको प्रोवाइड किए, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में जब इसको क्या प्रायोरिटी आप देना चाहते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे इसको क्या, उसके बाद पंचायती राज को क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो, इसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो, इसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ठीक है, तो काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसपे आपसे पूछी जाती है क्या आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप सिक्वेंस वाइज जैसे लिखते हो तो सबसे पहले आप 10th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हो। ठीक है, तो जो है इसके बाद आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो कि कौन से स्ट्रीम से आपने किया है ये। ऑफ कोर्स 10th जो है आपकी मिक्स स्ट्रीम से होगी, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने जो है ये किया है आप यहाँ पर लिखते हो। उसके बाद कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स आपको जो था आपका पेपर था, देन कितनी परसेंटेज आई है आपकी, बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हैं यहाँ पर फिलअप करते हैं, कौन से ईयर में आपने पास किया है। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर मोड ऑफ डिग्री सेलेक्ट करते हैं कि रेगुलर की है, डिस्टेंस की है, प्राइवेट की है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं जो कि किसमें हो, PDF फॉर्म में आपको दिया गया हो। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं जो कि PDF फॉर्म हो, देन ये इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसी तरीके से आपसे आपकी फर्दर डिटेल्स पूछी जाती है जिसमें जैसे कि आप 12th या फिर अगर आपने 12th की है तो उसकी डिटेल्स लिखते हो, बट इसमें आपसे डायरेक्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो आपने अगर डिग्री हासिल की आप या फिर डिप्लोमा किया है फिर ITI किया है, आप उनमें से सिलेक्ट करते हो। तो जैसे कि मैंने डिग्री की है, ठीक है, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और फिर मेरे कितने मार्क्स आए हैं वो सिलेक्ट करती हूँ, देन कितने मार्क्स था मेरे पेपर था वो सिलेक्ट करने के बाद ऐसे इसमें परसेंटेज पूछी जाती है, कौन से बोर्ड से किया है मैंने वो करने के बाद, कौन से ईयर में मैंने पास किया है। ठीक है, उसके बाद कौन से मोड ऑफ डिग्री से मैंने ये सिलेक्ट किया है, और देन मैं अपनी क्या करती हूँ, फाइल सिलेक्ट करती हूँ जो कि किस फॉर्म में हो, PDF फॉर्म में हो। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिर क्या कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। तो फर्दर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, उसके अलावा कुछ और कर रखा है, तो आप ये सारी चीज़ें भी भरते हो। अगर नहीं कर रखी तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दिया जाता है जिसमें आप डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो। इसको पढ़ने के बाद, क्लिक करने के बाद आप ये जो है सारी एप्लीकेशन की डिटेल्स आप सबमिट करना चाहती हो, फिर दोबारा देखना चाहते हो ताकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक करके उसको सही करना चाहते हो तो आप दोबारा पूरा अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन सही भरी है तो आप क्या करते हैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। तो आप जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर पे फी का ऑप्शन दे सकते हैं आप, अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पे फी पे जाके जो है अपनी फीस पे करते हैं। तो आई हैव रीड ऑल करके देन प्रोसीड करके आप फर्दर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर लिखते हैं जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया था, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। फिर ये सबमिट करने के बाद आप फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेड करते हैं आगे, और जिसमें आपकी पेमेंट डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप इजीली अपने घर बैठे इनके एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आपको अब इसके बाद जो है प्रोसेस पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, देन आपकी पेमेंट डिटेल्स आप भरते हैं जो कि आप किसी और के साथ शेयर ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।